पोजीशन साइजिंग, ये वो मेन एस्पेक्ट है जिसकी वजह से 90% ऑफ द ट्रेडर्स जो लॉस में है वो इसीलिए है क्योंकि वो पोजीशन साइजिंग जैसी इंपॉर्टेंट चीजों को बिल्कुल भी नहीं सीखते और लॉस मेकिंग के अंदर आ जाते हैं। पोजीशन साइजिंग की वजह से ही 90% ट्रेडर जो लॉस में है क्योंकि वो 20 ट्रेड में लगातार प्रॉफिट कर लेंगे पर एक ही ट्रेड में अपना पूरा प्रॉफिट गंवा देंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप उस 90% की गिनती में आने से बच सकते हैं और टॉप 1% ऑफ द ट्रेडर्स के अंदर आ सकते हैं अगर आप राइट पोजीशन साइजिंग को यूज करें और इस एस्पेक्ट को समझे। आप लोग क्या करते हो भाई, 90% आपका जो टाइम है वो स्ट्रेटजी सीखने में लगा देते हो जबकि वो ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ 20% पार्ट रखती है। आपको जो मेन चीजें हैं पोजीशन साइजिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका हो गया, कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, साइकोलॉजी डेवलपमेंट जो कि 80% पार्ट है ट्रेडिंग का, उसको आप छोड़ देते हो। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखो, इसके अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं कंप्लीट पोजीशन साइजिंग कि आपको क्या पोजीशन साइजिंग रखनी चाहिए और किस तरीके से। आपको एक कैलकुलेटर भी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं कि उसको यूज करके आप आपकी कैपिटल के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहला टॉपिक जो आ जाता है, तो सबसे पहले आ जाता है भाई, है ना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बिल्कुल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। ये बात बिल्कुल एक्यूरेट अपने को समझ में आई रही है ना, क्यों है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर 20 ट्रेड में प्रॉफिट किया और एक ट्रेड में सारा पैसा गंवा ही देना है तो भाई फिर प्रॉफिट बनाने का फायदा ही क्या हुआ, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको टॉप 1% ऑफ द ट्रेडर के अंदर आना है, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है पोजीशन साइजिंग सीखना। दूसरे पे आ जाता भाई, है ना, इसका और क्या फायदा भाई, है ना, डिसिप्लिन, बिल्कुल आपको ये एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना देता है ना। ऐसा नहीं कि भाई आज कर रहे हो 1,00,000 प्रॉफिट और आज कर रहे हो भाई 50,000 लॉस, कल कर रहे हो 80,000 लॉस, परसों कर रहे हो 1,50,000 लॉस, तो वो डिसिप्लिन आपको बन जाएगा, आपका लॉस लिमिट हो जाएगा कि इतना ही लॉस आपका होगा। तो ये चीज आपका लॉस लिमिट करके आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना देती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरे नंबर पे आ जाता है भाई, है ना, आप इसकी सहायता से क्या कर सकते हो, लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10-15-20 पॉइंट कुछ भी स्टॉप लॉस लगाते हैं। वो मेरे से भी पूछते हैं भाई, जब मैं लाइव ट्रेड करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, अगर आपने देखा होगा कि भाई क्या करते हैं वो, कि सर 50 पॉइंट का एसएल लगा लूँ क्या, सर 5 पॉइंट का एसएल लगा लूँ क्या, सर मेरा एसएल तो पहले ही हो गया, जबकि एसएल नहीं होता है क्योंकि वो लॉजिकल एसएल लगाएंगे ही नहीं। वो क्या करेंगे, उन्होंने फिक्स कर लिया है कि 10 पॉइंट का एसएल लगाना है भाई मेरे को। तो ये आपको हेल्प करता है बिल्कुल लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाने के लिए, ताकि आपका नुकसान उतना ही होगा भाई, है ना, पर अब होगा क्या, आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा तो आपका प्रॉफिट होने का चांस बढ़ जाएगा। तो ये आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा रहा है भाई लॉजिकल स्टॉप लॉस के अंदर आपकी हेल्प करके। फिर उसके ऊपर आ जाता भाई, है ना, हर स्टॉक में एक अलग साइज होती है। बहुत सारे लोगों को क्या गलतफहमी होती है ना, ऑप्शन के अंदर, है ना, मिड कैप के अंदर और बैंक निफ्टी में क्या आप सेम क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, भाई नहीं कर सकते। तो हर एक ऑप्शन आप अलग क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करोगे, एक्सपायरी के दिन अलग क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आज ही एक्सपायरी हुआ, कल के दिन अगर मैं ट्रेड करूंगा तो एक अलग क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। तो ये क्वांटिटी आपको हमेशा पता होनी चाहिए। गलत क्वांटिटी में ट्रेड करके क्या करते हो आप, बड़ा लॉस कर लेते हो। तो बड़े लॉस से बचना है। अब जैसे मान लो HDFC बैंक है, उसका शेयर कितने का है भाई, ना, वो 1600-1700-1500 इस रेंज में चलता है, तो आप उसके अंदर 10 पॉइंट का एसएल लगाओ। और अभी एक आ जाओ भाई, यस बैंक का शेयर 25 रुपए का चल रहा है, उसके अंदर 10 पॉइंट का एसएल लगाओ, तो क्या दोनों सिमिलर बात है? तो पोजीशन साइजिंग ही वो चीज है जो आपको बताएगी कि कितना एसएल आपका होना चाहिए और किस तरीके से आपको वो कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंट स्टॉक्स के लिए, फ्यूचर्स के लिए और ऑप्शंस के लिए डिफरेंट क्वांटिटी आपको लेनी होती है, तो पोजीशन साइजिंग की हेल्प से आप वो पता लगा सकते हो। उसके बाद में आ जाता है भाई साइज, ठीक है। पोजीशन साइजिंग क्या होता है भाई, आपके रिस्क से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म हो गई, अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर रिस्क ज्यादा होगा किसी ट्रेड के अंदर तो आपका पोजीशन साइजिंग अपने आप घट जाएगा, ठीक है। ये टूल आपको जो मैं कैलकुलेटर देगा, ये आपको यही चीज बताएगा कि अगर रिस्क ज्यादा है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, रिस्क कम है तो क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होने के हमेशा चांस रहेंगे, पर आपका रिस्क ये हमेशा लिमिटेड रखेगा। ओवरऑल आपका रिस्क बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, आपको ऐसा एक्सपोजर नहीं देगा कि आप भाई उसको झेल ही ना पाओ। कई बार क्या होता है कि हम गलत क्वांटिटी ले लेते हैं
और उसके बाद में भाई धक धक होने लग जाती है। जैसे ही ट्रेड में एंट्री ली माइनस में दिखने लगा, बिल्कुल टेंशन में आ गए क्या करूं क्या करूं, थोड़ा सा नीचे आया, फिर जैसे ही वो आपके भाई बिल्कुल पोजीशन में आया, जैसे ही आपके कॉस्ट में आया आप काट देते हो उसको, और फिर क्या होता है भाई वो जाके रॉकेट हो जाता है। और वो भाई और फिर होता क्या है भाई, है ना कि 10 रुपए की कॉल आपने ली थी मान लो, है ना, वो आई 8 रुपए, आपको टेंशन हो गई थी, पर आपने वो वापस 10 रुपए भी निकाल लिया, पर वो 10 रुपए की नहीं रहेगी, फिर वो जाएगी 100 रुपए। तो आपको वो बढ़िया जर्नी है जो है ना आप जी सकते थे और वो प्रॉफिट ले सकते थे ना, वो आपका मिस हो जाता है क्योंकि गलत पोजीशन साइजिंग की थी और उसकी वजह से धक धक होना चालू हो गई थी। तो ये आपको धक धक से भी बचाएगा, ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर आपको कंफर्टेबल कर देगा अपने लॉस के साथ, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि लॉस मेरा फिक्स है भाई, है ना, जो मैंने लिया है इससे ज्यादा मेरा लॉस हो ही नहीं सकता। तो ये आपको लॉस के साथ कंफर्टेबल कर लेता है, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा भाई लॉजिकल एसएल की हम बात कर रहे थे, देखो मैं बात कर रहा था जो किस तरीके से होता है। आप क्या करते हो, जैसे मान लो यहां पे एक सपोर्ट आपको दिख रहा होगा ना, ये एक सपोर्ट है, यहां से कैंडल्स बनती हुई आई, यहां पे एक ग्रीन कैंडल बनी, दोबारा से ये टेस्ट हुआ। अब आप लोग क्या करते हो भाई, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां पे एंट्री बना लेंगे, ठीक है, यहां पे एंट्री कर ली और जैसे ही मार्केट ऊपर गया भाई वो खुश हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और यहां पे वो क्या करते हैं लॉजिकल एसएल नहीं लगाते हैं, वो यहां पे 10 पॉइंट का एसएल लगा लेंगे, यहां पे 5 पॉइंट का एसएल लगा लेंगे। तो यहां पे जैसे ही थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा यहीं पे कहीं पे भी उनका एसएल हिट हो जाएगा, जबकि लॉजिकल एसएल कहां होना चाहिए था भाई, सपोर्ट के नीचे जहां से ये देखो वहां से नीचे स्टॉक नहीं गया और फिर वो देखो वापस रॉकेट हो गया। तो ऐसी गलती आपसे ना हो, आप लॉजिकल एसएल लगाओ जिसकी वजह से आपके एसएल कम हिट हो और आपकी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, तो आपको पोजीशन साइजिंग इस वजह से भी, इस काम के अंदर भी आपको यहाँ पे पोजीशन साइजिंग आएगी। उसके बाद में आ जाता भाई है ना क्वांटिटी, जैसे मैंने बताया निकालोगे कैसे भाई, क्या तो क्या कैसे निकालते हैं, वैसे मैं आपको पूरा एक्सेल सीट पे समझाऊंगा और आपको एक बिल्कुल फाइल फॉर्मेट में दे दूंगा, तो उसके अंदर आप डाल के पता लगा पाओगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे पोजीशन साइजिंग आपको कौन सी स्क्रिप्ट में कितनी रखनी है। वैसे निकालते कैसे पोजीशन साइजिंग, क्वांटिटी जो होती है वो आप कैसे निकालोगे भाई, जो आपका रिस्क है, जो भी रुपए में रिस्क है कि 500 रुपए का रिस्क लूंगा डिवाइडेड बाई एसएल इन पॉइंट्स, ये मैथमेटिकल अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं भी बिल्कुल एक्सेल सीट में आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वांटिटी निकालते हो, ठीक है, रिस्क डिवाइड बाई एसएल इन पॉइंट्स, रुपीज में रिस्क जो भी होगा, जैसे 1000 रुपए का रिस्क है तो वो अपने आप आपको बता देगा कि ये साइज आपको लेनी है। तो चलो अब चलते मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहां मैं आपको एक्सेल में समझाता हूँ, बनाता हूँ आपके साथ में ही कैलकुलेटर कि किस तरीके से आपको इसको यूज लेना है। ये आपको बताएगा कि बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हो तो कितने लॉट लेने हैं, मिड कैप में कर रहे हो कितने लेने हैं, निफ्टी में कर रहे हो कितने लेने हैं, फिन निफ्टी में कर रहे हो कितने लेने हैं, एक्सपायरी है तो कितने लेने हैं, सारी चीजें ये आपको बिल्कुल आपको परोस के दे देगा ताकि आपको कोई डाउट हो ही ना। चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहां पे हम आ गए हैं मेरे पीसी की स्क्रीन पे, यहां पे आपको करना क्या है भाई, सबसे पहले आप चले जाओ, देखो एक्सेल है तो एक्सेल में जा सकते हो या गूगल शीट्स में जा सकते हो, जस्ट गूगल पे सर्च करना है गूगल शीट्स, ठीक है। सबसे पहले टाइटल चेंज करके कर लेते हैं हम भाई पोजीशन साइजिंग, ठीक है, ये लो साहब हमने कर लिया टाइटल चेंज। अब हमको क्या करना है, देखो अपने को क्या करना है, क्वांटिटी निकालनी है ना, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है भाई, देखो पहली चीज क्या होती है भाई, आपको पता होना चाहिए भाई आपके एंट्री प्राइस क्या है, ठीक है, एंट्री प्राइस हो गई तो उसको लिखेंगे हम इस कॉलम में। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये फाइल अटैच करने वाला हूँ ना, तो आप बस इसको समझ लो कि प्रोसेस क्या होता है, ताकि है ना आपके मन में बैठ जाए और आपको समझ में आ जाए कि इसके पीछे का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, एंट्री प्राइस क्या है, एसएल क्या है आपका, ठीक है, ये दोनों चीज आपको पता लग गई भाई, एंट्री प्राइस क्या है, एसएल क्या है। अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, वो क्या चीज पता होनी चाहिए कि आपको यहां पे, मैं रिस्क की बात नहीं कर रहा हूं, वो आपको भाई मैंने दूसरा वीडियो बनाया है रिस्क टू रिवॉर्ड वाला, और भाई आपको कैपिटल मैनेज कैसे करनी है उसके बारे में और वीडियोज आने वाले हैं, वहां पे मैं ये भी बताऊंगा कि आपको रिस्क किस हिसाब से मैनेज करना चाहिए आपकी क्वांटिटी के हिसाब से ना। तो अभी यहां पे सबसे पहले हम आ जाते हैं भाई रिस्क, है ना, रिस्क हम मान के चलते हैं कि भाई आपको भाई एक जनरल पर्सन है वो चाह रहा है कि भाई है ना दिन में 2 ट्रेड लेगा, तो एक ट्रेड में मान लो 1000 रुपए से बड़ा रिस्क नहीं होना चाहिए ना, तो ये फिक्स कर लिया, जो भी आपका रिस्क हो आप वो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्या निकाल के देगा आप भाई, है ना, साइज, ठीक है, कि किस साइज की आपको भाई किस क्वांटिटी में आपको ट्रेड लेनी है, क्वांटिटी लिख देते हैं इसकी जगह, है ना, क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, क्वांटिटी लिख दिया हमने ना, तो यहाँ पे आपको है ना क्वांटिटी बताएगा। तो करना क्या है, जैसे भाई जो भी क्वांटिटी होती है वो क्या होती है आप एक बार बताओ, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए आपका जो एसएल हो, ठीक है, उसके अंदर जैसे आपका जो रिस्क है
उसको किससे डिवाइड करना है आपको भाई, आपको डिवाइड करना है उसको भाई आपका जो भी एसएल इन पॉइंट्स है, ठीक है। तो एसएल पॉइंट में कैसे निकालोगे, एंट्री प्राइस माइनस एसएल, ठीक है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहां पे आपका एसएल निकल के आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले कॉलम में से लेंगे, वो तो कॉलम वो हो गया ना। तो यहां पे अपने आप ये अब आपको जैसे एंट्री प्राइस है ना, अब कुछ भी एंट्री प्राइस है आपकी, मान लो आपने एचडीएफसी का खरीदा शेयर 1600 रुपए पे, ठीक है। आपका भाई आपने एसएल रखा रखा है कि भाई मेरा एसएल भाई कहाँ पे होगा, अगर ये 1580 चला जाएगा तो मेरा एसएल हो जाएगा। तो आपको कितनी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो, ये क्या निकल के आ गया भाई, आपकी क्वांटिटी निकल के आ गई कि आपको इतनी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। अब आप पूछोगे कि सर मुझे ये कैसे पता लगेगा कि बैंक निफ्टी हो तो कितना लॉट में करूँ, तो वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ आगे, मैं वो भी बना देता हूँ आपके लिए कि भाई बैंक निफ्टी होगी तो कितने लॉट में करोगे, निफ्टी होगी तो कितने लॉट में करोगे, मिड कैप फिर निफ्टी होगी तो कितने में करोगे भाई, और मिड कैप होगा तो कितने लॉट में करोगे, ठीक है। मैं कैलकुलेटर बना के दे रहा हूँ, बस आपको कुछ भी नहीं करना है भाई, सिंपल बात है ये, आपको यहाँ से और सिंपल और सिंपल क्या करना है भाई, बस यहाँ पे आप डालोगे दो वेरिएबल, आपको साइज पता लग जाएगी कि भाई मेरे को इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। एनी डे एक्सपायरी डे की डालोगे, एक्सपायरी डे की अलग क्वांटिटी आपको निकल के आएगी, हर चीज़ की क्वांटिटी यहाँ पे आपको निकल के आएगी, बस इसको फॉलो करना है। पोजीशन साइजिंग की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व, इसको एक टैब में खोल के रखो, वैसे आप धीरे धीरे खुद जब इसको थोड़े दिन यूज़ कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एज ए बिगिनर के लिए मैं ये दे रहा हूँ ताकि बिल्कुल भी नहीं पता तो भी भाई इसको यूज़ करके आप सही पोजीशन साइजिंग का यूज़ कर पाओ। जैसे बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी में क्या क्वांटिटी आपको कितने लॉट लेने चाहिए, ठीक है, वो आपको ये कैलकुलेट करके दे देगा यहाँ पे अपने आप। जैसे जितना भी आया 3.33, तो क्या मतलब है भाई, तीन लॉट, आगे का पॉइंट हटा के तीन लॉट से ज़्यादा नहीं लेना है। निफ्टी लेनी है तो कितना लेना है भाई आपको, भाई क्या लॉट साइज होती है भाई, एक लॉट, एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है निफ्टी को। फिन निफ्टी है तो भाई क्या करोगे आप यहाँ पे, ये यह आपको अपने आप दे देगा कि भाई फिन निफ्टी में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो कितने लॉट से करूँ भाई, 1.25, मतलब एक लॉट से ज़्यादा नहीं लेना है। अभी यहाँ पे मैं कॉल और पुट की प्राइस लिख के बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी वो प्राइस एचडीएफसी की लगी हुई है तो वो सही आपको नहीं बता रहा होगा। जैसे मान लो मिड कैप में आप ट्रेड कर रहे हो, तो मिड कैप में क्या करोगे आप भाई, सिंपल बात है कि मिड कैप में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरी ये क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मिड कैप में इस रिस्क के साथ में मेरा कोई बनता ही नहीं है ट्रेड, है ना। चलो मान लो अब एंट्री प्राइस हम देखते हैं ना, एंट्री प्राइस मान लो आपकी है कि भाई बैंक निफ्टी का था आपका ना, तो 250 रुपये की प्राइस चल रही है, आपने ऐसा लगा लिया कि 220 पे जाएगा तो मेरे को निकलना है, तो आप कितना लॉट आपको लेना चाहिए, है ना। ये आपको क्लियर क्लियर समझा रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर आप लेते हो तो आपको कितना लॉट लेना चाहिए, आपकी एंट्री प्राइस है भाई 250 रुपये, 220 पे आपका एसएल है, रिस्क आप लेना चाहते हो कितना भाई, 1000 रुपये का, ठीक है। तो आपको कितने लॉट लेने चाहिए यहाँ बैंक निफ्टी के, सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट आपको लेने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो भाई निफ्टी है, निफ्टी का आपका लॉट का प्राइस चल रहा है कि भाई 80 रुपये चल रहा है, ठीक है, और मेरे को भाई एसएल कहाँ पे लगाऊंगा। मान लो मैंने सोच लिया है कि भाई मेरा एसएल है जो लॉजिकल निकल के आ रहा है, एसएल कहाँ पे आ रहा है भाई कि मेरा 68 पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी में कितने लॉट लेने हैं भाई, निफ्टी में आपको कितना लॉट लेना है भाई, एक लॉट लेना है, सिंपल, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। मान लो यही सेम एंट्री है भाई, है ना, फिन निफ्टी में 80 रुपये की प्राइस चल रही है, 68 रुपये पे मेरा एसएल, तो फिन निफ्टी अगर मैं ट्रेड करूंगा तो देखो यहाँ पे 2 लॉट ले सकते हो आप, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी में यही स्ट्राइक प्राइस है, इतना प्राइस चल रहा, तो आप 5 लॉट ले सकते हो। तो ये आपको बेसिकली साइज बताता है कि किस टाइम पे कितनी क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो ना। तो ये कैलकुलेटर मैं आपके साथ में अटैच कर दूंगा। जैसे अभी और एग्जांपल के देख लेते हैं, एक्सपायरी है 10 रुपये की चल रही है भाई, है ना, स्ट्राइक प्राइस, है ना, और मैंने सोच लिया कि भाई मेरा एसएल कहाँ पे है भाई, मेरा एसएल अगर 7 रुपये चले जाएगा तो मैं एसएल काट दूंगा, तो भाई निफ्टी में कितने लॉट ले सकता हूँ मैं भाई, है ना, इतने ही रिस्क के साथ में,
छह लॉट, पर हम लोग क्या करते हैं उस दिन, क्या करते हैं भाई, क्योंकि सस्ता है तो हम लेते हैं 50 लॉट और इसी वजह से लॉस में चले जाते हैं। तो वो लॉस से बचना है तो आपको क्या यूज करना है भाई, है ना, ये पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर यूज करना है, या फिर आप अपने माइंड में भी देखो ये बना सकते हो। ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, कि भाई रिस्क तो मेरे को फिक्स रखना है 1000 रुपए, तो आप अंदाजन आपको वैसे ही जब प्रैक्टिस कर लोगे ना थोड़े दिनों में पता लग जाएगा कि भाई 5 लॉट से ज्यादा नहीं लेना है, लेना ही नहीं है चाहे कुछ भी कहे। तो ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो आपका क्या होगा भाई, किसी भी दिन एनी डे आपका लॉस लिमिटेड रहेगा। आप अगर 2 SLA डे फिक्स कर रहे हो तो 2000 से ज्यादा आपका लॉस हो ही नहीं सकता है, या तो आप प्रॉफिट में जाओगे या फिर भाई 2000 रुपए लॉस लेके जाओगे। पर आप लोग क्या करते हो भाई, जीरो हीरो ट्रेड है ना, मैं ही कई बार जीरो हीरो ट्रेड देता हूं। इस वीक जैसे हमने ट्रेड ली थी भाई, पांचों दिन पैसा डबल से ज्यादा हो गया था। पर कुछ लोग क्या करते हैं भाई, पांचों दिन पैसा डबल हो गया ना, 5 दिन अगर मान लो आपने पैसा डबल कर लिया, जस्ट मेरी बात सुनो ना, और एक दिन आपने क्या किया, क्योंकि आपको तो पोजीशन साइजिंग आती ही नहीं है, आपने ले ली 1 10 रुपए की कॉल, SL आपने लगा लिया भाई 5 रुपए पे, ठीक है। अब आपने प्रॉब्लम क्या कर दी, आपको लेना चाहिए था भाई निफ्टी में 4 लॉट, पर लोग क्या करेंगे 40 लॉट लेंगे, 40 लॉट लेंगे, क्योंकि भाई पैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा भाई, पैसा तो चिंदी रूप लग रहे हैं ना आपके, आप ये नहीं समझ पा रहे कि भाई पैसा कम लग रहा है, क्योंकि 20,000 रुपए में अगर आपकी कैपिटल हो तो ये तो बहुत सारे लॉट आ जाएंगे, है ना, 500 से डिवाइड कर लो 20,000 में आपके कितने लॉट आ जाएंगे। मान लो आपकी 20,000 रुपए की कैपिटल है, आपने 5,000 से चालू किया था, आपने कर लिए भाई यहां पे, एक सेकंड, आपने कर लिए भाई उनको 4 गुना एक दिन में। अब आप क्या कर रहे हो, अब आपको तो पता ही नहीं है क्या करना है, तो भाई आपने ले लिए भैया 40 लॉट। अब आप सोचो 40 लॉट 4 लॉट की जगह आपने ले लिए, तो आपका लॉस कितना होगा, आपका पूरा कैपिटल भाई सीधा 10,000 का लॉस हो जाएगा उस SL के अंदर। और 10,000 का SL देख के आपकी हालत क्या हो जाएगी, दिल निकल के बाहर आ जाएगा, आप टेंशन में आ जाओगे कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या भाई यार, 10,000 का लॉस हो गया, टेंशन हो जाओगी। फिर आप क्या सोचोगे, आप 3 PM करूँगा, अब क्या करोगे, आपने 220 तक भाई ना 220 225 230 पे जीरो हीरो ट्रेड मिली थी, उसमें गलती से SL हो गया, क्योंकि SL हो सकता है, क्योंकि ये भाई प्रोबेबिलिटी का गेम है, आप 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकते ट्रेडिंग में, अगर आप ये ही चीज़ नहीं समझ रहे हो तो भाई ट्रेडिंग कैसे कर रहे हो। तो फिर आप क्या करोगे, 3 PM पे रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि आपकी पोजीशन साइजिंग करेक्ट नहीं थी, औकात से बाहर का लॉस हो चुका है। अब 3 PM करोगे, 3 PM में एक और बार मान लो यही इसी तरीके का लॉस हो गया, 20,000 10,000 पहली ट्रेड में, 5,000 दूसरी में। अब आप आ गए भाई कहाँ पे, एक ही दिन में वापस 5,000 पे, जो कैपिटल गेन करने में आपने पूरा महीना लगा दिया था वहां पे वापस पहुंच गए आप, कब, एक ट्रेड में, दो ट्रेड में, खत्म बात, है ना। तो आपको क्या करना है भाई, क्यों जरूरी है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको अगर बचना है, हमेशा फिक्स रखना ही है कि भाई इससे ज्यादा रिस्क ना हो, तो आप यूज करो भाई पोजीशन साइजिंग इस कैलकुलेटर का। मैं इसको टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, टेलीग्राम लिंक मेरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, किसी को कोई भी पैसा देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पैसा दे दिया है और उस वजह से उनको देखो फिर भाई ये घाटा हो जाता है ना, मैं पैसा नहीं लेता हूँ भाई, फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भाई और जल्दी समझना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, तो आप जाके प्लान कर सकते हो, यहाँ पे मेरी वेबसाइट है tradingwithkarol.com, यहाँ पे जाके आप कोर्सेज प्लान कर सकते हो। कोर्सेज में जाके देखो, यहाँ 3-4 आपको कोर्स दिखें तो कंप्लीट ट्रेडर पैकेज है, ये आप बाय आउट कर सकते हो, इसके अंदर ये दोनों कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है तो बढ़िया आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये कोर्स पे अच्छा खासा आपको डिस्काउंट होने के बाद में, ये सिर्फ पड़ रहा है 4500 रुपये का, और जल्दी इसकी प्राइस हम बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो 8,000 के करीब इसकी प्राइस जल्दी ही करेंगे हम। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो जाके प्लान आउट कर सकते हो, और किसी को मेरे नाम से पैसे नहीं देने हैं। बाकी मिलेंगे लाइव ट्रेडिंग के अंदर हम सुबह 9 बजे मंडे को, तब तक के लिए क्या करो भाई, वीडियो को लाइक कर दो भाई, इस वीडियो का लाइक एम है भाई 10,000 लाइक का, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। चलो बाय गाइज, फिर मिलते हैं मंडे को।